हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की गुरम्मा की रेसिपी, जिसे बनाना घर पर बहुत ही आसान है और यकीन मानिए ये तो बच्चे बड़े के सभी के फेवरेट होते हैं। और गर्मी का सीजन चल रहा है और इस समय कच्चे आम बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो इस गुरम्मा को बनाना तो बनता ही है। और यकीन मानिए एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 4 कच्चे आम को लिया है। अब हम इसे का छिलका हटा करके काट करके तैयार करके रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसका छिलका हटा के काट करके तैयार कर लिया है, लंबे लंबे साइज में मैंने काटा है आम को। चलिए गुरम्मा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने छोड़ रखा था पहले से। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सरसों तेल को। सरसों तेल में गुरम्मा बहुत अच्छा बनता है। तेल डालने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें 1 छोटा चम्मच पंचफोरन को। पंचफोरन को अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो ये देखिए पंचफोरन हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम गुरम्मा को तीखा बनाने के लिए 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है और 1 तेजपत्ता को डाला है। फोरन हमारा पक चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चे आम को, जिसे मैंने काट करके रख लिया था। और देखिए लंबे लंबे साइज के टुकड़ों में मैंने काटा है। गुरम्मा बनाने के लिए इसी तरीके से आम को काटा जाता है। तो आम को मैंने काटते हुए नहीं दिखाया क्योंकि इसका जो बीच वाला पार्ट था वो बहुत हार्ड था, तो चाकू से नहीं कट पा रहा था। तो आम को मैंने हसुआ से, जो सब्जी काटते हैं ना बाजार में हसुआ जिसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हसुआ बोलते हैं, उसी से मैंने आम को काटा है। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक को ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने काला नमक को ऐड किया है। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आम के गुरम्मा में। तो आम को हम लाल होने तक पकाएंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सूखा वाला गुड़। आप चाहे तो यहाँ पर गीला वाला भी गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आम 1 केजी है तो यहाँ पर मैं 1/2 केजी गुड़ को मैंने लिया है। तो गुड़ को हम डाल देंगे, ये ढेले के आकार में गुड़ है तो इसमें ढक्कन लगा करके हम लो फ्लेम पर इसे मेल्ट होने देंगे। तो बीच में 1 मिनट तक मैंने ढक्कन लगाया और ढक्कन को मैंने हटा दिया है जिससे हमारा गुड़ जले नहीं। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, ढक्कन लगा करके इसी तरीके से गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो देखिए मैंने बीच बीच में ढक्कन लगा करके गुड़ को मेल्ट किया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसे भी हम मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा गुरम्मा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, गुड़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और आम भी हमारा पक गया है। इसे पकाने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए हैं। तो चलिए अब इस गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। गुरम्मा हमारा बन के तैयार हो गया है तो मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा गुरम्मा का कलर देखिए कितना अच्छा आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुरम्मा बना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और कच्चा आम अभी आसानी से मिल जाता है, तो इसे बनाना तो बनता है। ये सभी को पसंद आने वाला है, ये बच्चे को भी बहुत पसंद आता है और बड़े को भी बहुत पसंद आता है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें। मैं एक टुकड़ा दिखाती हूँ पास से, आपका भी मुंह में पानी आ जाएगा फ्रेंड, बहुत ही यम्मी है। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं तो बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं एक बार ही नहीं, मैं तो बहुत बार बनाती हूँ घर में, और मेरे घर में तो 10 दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं है, बस जल्दी ख़त्म हो जाता है ये गुरम्मा। ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, आप ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बना करके, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। तो आई होप आज की मेरी गुरम्मा की रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।
तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।